हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का एक क्वेश्चन करेंगे। पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। एक लाइन है पी क्यू जिस पे एक पॉइंट है ए। पी के कोऑर्डिनेट क्या हैं वो लिख देते हैं, 6 - 6, और Q है -4, -1। इस लाइन पे एक पॉइंट A है सच दैट PA अपॉन PQ इक्वल टू 2/5। A पॉइंट ले लेते हैं मान लें यहाँ पे हम, और ये भी गिवन है कि जो पॉइंट A है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। पॉइंट A लाइज ऑन दिस लाइन, ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन है 3x + k y + 1 = 0। ए पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सभी को आ गया होगा समझ में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमें गिवन है PA अपॉन PQ 2/5 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए अपॉन पी क्यू 2/5, हमें ये रेशियो फाइंड करना है। अगर ये रेशियो मिल जाएगा तो हम सेक्शन फॉर्मूले से ए के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 PA = 2 PQ 5 PA = 2, पी क्यू की जगह लिख देते हैं PA + AQ, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये 3 PA = 2 AQ। यहीं पे कर देता हूँ ताकि स्क्रीन पे सारा दिखता रहे। तो PA/AQ 2/3, ये हमारा आ गया। तो अब हमें ये रेशियो मिल गया है 2:3। तो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सेक्शन फॉर्मूले में सभी स्टूडेंट्स को ये पता है कि इस वाले रेशियो की मल्टीप्लाई इधर होती है और इस वाले की इधर मल्टीप्लाई होती है। तो अगर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 × 4 = 8, तो हमारा ए पॉइंट आ जाएगा -8, 3 × 6 = 18 + 18/2 + 3, ऐसे 2 × 2 = 3 × 6 = 18 / 2 + 3। तो ए के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, 18 - 8 = 10/5, 2, और 18 × 2 = 16 / 18 / 2 -20/5 - 4। जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है इस पे, तो इसके अंदर हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब क्या करेंगे, बिकॉज ए लाइज ऑन द लाइन 3x + yk + 1 = 0, इसलिए हम इसमें x की जगह 2 पुट कर देते हैं, y की जगह -4, और k की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 6 - 4k - 4 = 0। 4k को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो k की वैल्यू 2/4 यानी 1/2 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, उसको हम सुधार लेते हैं कि यहाँ पे k और अंदर y है, मैं
मेथड तो सभी को समझ में आ गया होगा, इसलिए करेक्शन आप खुद भी कर सकते हो। तो क्या था ये 3x के y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 2 प्लस के माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, 6 माइनस 4 के 6 माइनस 3 के, तो k की वैल्यू 2 आ गई, ये हमारा आंसर हो गया है ना। तो मेथड तो सभी को समझ में आ ही गया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और स्क्रीन पे अभी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ रही होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जहाँ से आप और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।